सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता पांचवी का दूसरा पाठ, जो कि एक कविता है, हवा, पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस कविता के लेखक हैं केदारनाथ कोमल और शिक्षिका हैं पटेल रोशन आरा। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम आपको परिचय देंगे। हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं। हवा हमारे आसपास, यहाँ वहाँ सब जगह होती है। इस कविता में कवि ने हवा को विभिन्न रूपों से प्रत्यक्ष दर्शाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों को आपको दोहराना है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। बच्चों, हवा के कारण कलियों के पौधे झूम रहे हैं। क्या हो रहे हैं? झूम रहे हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे हवा इन कलियों के साथ झूम झूम कर क्या कर रही है? नाच नाच कर इठला रही है। इठलाना, घमंड करना, ठसक दिखाना। एक बार फिर हम पढ़ेंगे। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। फिर एक बार दोहराएंगे। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। एक बार दोहराएंगे। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। बच्चों, हवा हल्की फुल्की, नटखट और बहुत ही चंचल है। ये सबके घर में बेझिझक घुस जाती है। चलिए आगे। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। एक बार फिर दोहराएंगे। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। बच्चों, हवा नदी की लहरों के साथ चलती है, तब वे ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी की लहरों के साथ लचकती और लहराती हुई लगती है। अब यहाँ चंचल का अर्थ होता है एक जगह ना रहने वाला, अस्थिर। और ठुमक ठुमक कर यानी क्या? ठुमकना यानी क्या? नाचना। आगे, जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। बच्चों, यहाँ पर हवा जंगल पर्वत खेत और गांव में ताजगी भर जाती है, कवि यहाँ पर बता रहे हमें। आगे, चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है। देखा आपने चित्र में, चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है। तो बच्चों, यहाँ पर वह चिड़ियों के घोंसलों में घुस जाती है। वह चिड़ियों के नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में लेकर सहलाती है और उन्हें प्यार करती है और झुलाती है। आगे, सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है।
सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। तो बच्चों, सुबह जब होती है तो ठंडी ठंडी हवाएं आती है, हवा बड़े सवेरे आकर हमें जगा जाती है। एक बार फिर पढ़ेंगे, सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। बच्चों, मौखिक कार्य में आपको प्रकट वाचन करना है। यहाँ कविता को उचित लय और स्पष्ट उच्चारण के साथ ऊंचे स्वर में आपको पढ़ना है। तो आइए एक वीडियो देखते हैं। बच्चों, आज हम हवा कविता पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हैं केदारनाथ कोमल और शिक्षिका हैं पटेल रोशनारा। कविता आप हमारे साथ दोहराएंगे। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है, झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है, हल्की फुल्की नटखट चंचल सबके घर घुस जाती है। ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है, ठुमक ठुमक कर मटक मटक कर नदी लहर संग बल खाती है। जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है, जंगल पर्वत खेत गांव में गीत नए लिख जाती है। चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है, चिड़ियों के नन्हे बच्चों को गोद लिए दुलराती है। सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है, सुबह सवेरे तड़के तड़के आकर हमें जगाती है। झूम झूम कर नाच नाच कर कलियों संग इठलाती है। बच्चों, इस कविता में शब्द युग्म सुनो, समझो और दोहराओ। पहला है हल्की फुल्की, हल्की फुल्की, हल्की फुल्की। तड़के तड़के, तड़के तड़के। गुड, घर द्वार, घर द्वार। नदी नाले, नदी नाले। खेत खलियान, खेत खलियान। आगे है गांव शहर, गांव शहर। कलीवली। बच्चों, ये थे कविता में आए हुए शब्द युग्म। बच्चों, अब हम जानेंगे भाषा ज्ञान एवं व्याकरण। यहाँ आपको पुस्तक से खोज कर 10 शब्द युग्म लिखना है जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है हल्की फुल्की, तड़के तड़के, घर द्वार, नदी नाले। आगे है खेत खलियान, गांव शहर, कली वली, सुबह सवेरे, टूटे फूटे, काले पीले। इस तरह यहाँ पर 10 शब्द दिए गए हैं, आप इसे याद रखेंगे। दिए गए पर्यायों में से उचित उत्तर चुनकर आपको लिखना है। हवा कलियों के साथ, यहाँ पर 3 पर्याय दिए गए हैं, सही पर्याय हमको चुनना है। ठुमकती है, गाती है, इठलाती है। तो बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? इठलाती है, यहाँ दिया गया है। आगे दूसरा है हवा सबके घर में खेलती है, घुस जाती है, शोर मचाती है। सही पर्याय क्या है? घुस जाती है।
आगे देखो, हवा नदी की लहरों के संग बल खाती है, तैरती है, उछलती है। यहाँ पर क्या आएगा? बल खाती है। सही पर्याय क्या है? बल खाती है। आखिरी है, हवा चिड़ियों के बच्चों को नचाती है, रिझाती है। तीसरा है दुलराती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? दुलराती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है, सही उत्तर देखकर लिखना है। ये जो है कविता की पंक्तियाँ हैं जिसको आपको जोड़ना है। ठीक है, पहला है जंगल पर्वत खेत गांव में। यहाँ पर आपको सही उत्तर खोजना है। क्या आएगा सही उत्तर? गीत नए लिख जाती है। ठीक है, दूसरा चिड़ियों के नन्हे बच्चों को क्या करती है? बोलो, गोद लिए दुलराती है। ठीक है, आगे है सुबह सवेरे तड़के तड़के क्या करती है सुबह सवेरे हवा? बोलो, आकर हमें जगाती है। इस तरह हमें सही जोड़ियां मिलाना है। ठुमक ठुमक कर, मटक मटक कर क्या करती है? नदी लहर संग बल खाती है। तो बच्चों, यहाँ नीचे पर्याय में आप देखेंगे कि सही उत्तर आपको दिए गए हैं। बच्चों, यहाँ पर हवा के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है और आपको बोलने भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, हमारे जीवन के लिए हवा बहुत ज़रूरी है, सांस में हवा लेकर ही हम जीवित रहते हैं, हवा से गुब्बारे फुलाए जाते हैं, गुब्बारा फूलता है, साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार और ट्रकों के टायरों में हवा भरी जाती है, हवा भरने पर ही फुटबॉल जो होता है वो फूलता है। आपने देखा होगा फुटबॉल, आप खेलते भी होंगे। हवा हमारे लिए प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। इस तरह बच्चों, आपको आसान और सरल शब्दों में 5 वाक्य बनाना भी है, लिखना भी है और आपको बोलना भी है। प्यारे बच्चों, आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आपको जो भी काम दिया गया है उसे मुकम्मल कीजिए और अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में, आखिर में, सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है।